वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं फिर से कैंट का रोपवे, जो कि एक महीने में चालू होने वाला है। अब देखा है सच में चालू होगा, क्योंकि ये और मैं जुलाई में जो है रोपवे चालू है, जून चालू है, लगभग हमारे जुलाई के एंड तक तो 2 महीने हैं। इधर एक बार नज़र डालिए, देखिए कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, देख रहे हैं। मतलब इसके पहले जो हम आप लोगों को वीडियो दिखाते थे, वो कुछ भी बेस वगैरह, बेसमेंट वगैरह, जो ग्राउंड फ्लोर कुछ भी नहीं तैयार हुआ था। बट अगर इस टाइम देखेंगे तो इधर का जो फर्स्ट फ्लोर तैयार हो चुकी है, सेकंड फ्लोर की जो ढलाई है वो हो रही है, और इधर देखेंगे कुछ एरिया में वर्क वगैरह चल रहा है। तो जिस हिसाब से अभी 2 महीने का समय है, 1.5 से 2 महीने का जो समय है जुलाई के एंडिंग तक में, तो हो सकता है कि रोपवे चालू हो जाए, क्योंकि ये चालू पूरी तरीके से नहीं होगा, इसका ट्रायल होगा, जो कि यहाँ कैंट से लेकर रखता तक में ट्रायल होगा, और बहुत सारे पिलर वगैरह जो है लग चुके हैं, इस तरह से पिलर जो है लग चुके हैं, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं आप लोगों को कैंट से लेके गोदुलिया तक, गोदुलिया तो पूरा क्यों, गोदुलिया जो स्टेशन वो बनना है, वो पूरा गोदुलिया तक का स्टेशन दिखाएंगे, कहाँ क्या क्या बनने वाला, कहाँ पे पिलर वगैरह क्या होंगे, तो वीडियो में एंड तक बनेगा। तो आइए हम लोग चलते पहले यहाँ से, जो हम लोग का सेकेंड स्टेशन होगा, जो हम लोग का विद्यापीठ कॉलेज पे भारत माता मंदिर में है, तो आप लोग मंदिर के पास से पूरा व्यू देखें कितना हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ फिलहाल यहाँ का क्या हुआ है। तो आइए चलते हैं, पहले हम लोग भारत माता मंदिर के पास विद्यापीठ कॉलेज चलते हैं वीडियो को। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग हैं भारत माता मंदिर, जो कि विद्यापीठ वाले ब्रांच पे, जो कि विद्यापीठ वाला रोपवे का प्राचीन, देख सकते हैं जो रोपवे स्टेशन है उसका कंस्ट्रक्शन कितना हो चुका है, और फिलहाल इसमें अभी कंस्ट्रक्शन चला, तो उधर से शूट वगैरह नहीं कर सकते, जैसे कैंट पे हम लोग अंदर जाकर नहीं शूट कर पाए, ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्लोजली शूट नहीं कर सकते। और ये जो रोपवे का कंस्ट्रक्शन है बाहर की कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। अभी हम आप लोगों को एक बोर्ड है, जो कि बोर्ड पर दिखा रहे हैं कहाँ की ये कंपनी, कैसे ये कंस्ट्रक्शन का ये पूरा प्रोसेस क्या है। तो फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से, हम लोग चलेंगे जब रथेत्रल ब्रांच के साथ, तो बीच बीच में 2-3 जगह ऐसे हैं जहाँ पे ऊँचे ऊँचे लंबे लंबे पिलर वगैरह बनाए गए, जिसपे से रोपवे की जो रस्सी गए हैं, रस्सी जो तार होती हैं जिसपे रोपवे हम लोग का चलेगा, वो तार पूरे लगाए गए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले आगे, आप लोग को दिखाते हैं कि वो 2 पिलर कहाँ कहाँ होने वाले, एक सिगरा पे होने वाले, कॉलोनी में एक कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम आई थिंक नहीं पता मैं, तो आप लोगों को दोनों पिलर वगैरह दिखा। तो आइए हम लोग चलते हैं फिर वाले ब्रांच में, यहाँ जो ट्रॉली वगैरह देख सकते हैं रखी है, और एक ट्रॉली में 10 लोग बैठेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरह से कवर किया गया अभी फिलहाल, ये गंदा वगैरह ना हो। और ये भी विद्यापीठ वाले ब्रांच में 1, 2, 3, 4, जिसमें 4 ट्रॉली जो रखी गई है इस टाइम, जो कि हम लोग का रस्सी तार के सहारे पूरा फ्लोट करेगा कैंट से लेके गोदुलिया तक। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे रखी है वो ट्रॉली वगैरह, अगर देखना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं, बट देखने को नहीं मिलेगा, पूरी तरीके से बांधा गया है चारों साइड से, मतलब बांधा गया, देख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, तो फॉरेन से 2 बंदे आए हैं जो यहाँ पे प्लांट वगैरह लगा रहे हैं। अभी तो फिलहाल मैं विद्यापीठ वाले ब्रांच में, देख सकते हैं प्लांटेशन वगैरह हो रही है, गर्मी बहुत है, पेड़ आप भी लगाइए, कम से कम 1-2 पेड़ आप लोग भी लगा सकते हैं तो लगा दीजिए अपने घर वगैरह में, देख सकते हैं 5 जून एनवायरनमेंट डे है। तो देख सकते हैं यही जो बन रहा है रोपवे स्टेशन, ये विद्यापुर मतलब एकदम पास से एक लिफ्ट मिल गया, और इधर से भी रास्ता जब निकल जाएगा और सामने इधर ही मतलब कैंट स्टेशन पड़ेगा, यही स्टेशन है, ठीक है, यहाँ से फिर जो है रथ यात्रा के लिए रोपवे निकल जाएगा इस स्टेशन से। तो बाहर के साइड से शूट कर रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो रोपवे के तार वाले जिस पर ट्रॉली चलेंगी, तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं दोनों साइड में व्हील लगे हैं जिसपे तार पूरे स्लोप होकर चलेंगे, और ये जो रोपवे की हाइट है इससे भी ज़्यादा होगी, बट यहाँ देख सकते कुछ इस तरह से है, और आगे के जो पिलर दिखाएंगे आप लोग देखेंगे तो अंदाज़ा पता चलेगा कितने ऊंचाई से होने वाली है। देख सकते यही एक लगा है जो कि वाराणसी रोपवे कार प्रगति, बट हाँ इसको सब गंदा कर दिया एकदम, पान वगैरह थुक के। तो इस रोपवे का कंस्ट्रक्शन का जो कंपनी है, जिस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, विश्वा समुद्रा जो है कंपनी है, उसके थ्रू ये बनाया जा रहा है। आप कुछ इस तरह से जो हम लोग का विद्यापीठ वाला रोपवे स्टेशन देखने को मिलेगा, कि वाराणसी विद्यापीठ रोपवे स्टेशन लिखा है पूरा एकदम, और रोपवे इसी तरह वायर पे जो रोपवे चलेंगी, तो इसी बोर्ड की हम बात करते हैं जो हम बाहर आप लोगों को दिखाने वाले थे। तो यहाँ का जो पिलर अशोकनगर वाले में, ये पिलर अभी पिलर के ऊपर नहीं लगा है, वैसे 3 पिलर में आई थिंक 2-2 बोल रहे थे, तो 3 पिलर इस तरह से हैं, बट यहाँ देख सकते ऊपर कुछ नहीं लगा। आपको सिगरा वाले पे दिखाएंगे, जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में फोटो देखे थे, तो इस पिलर के ऊपर भी पूरा लोहे के लगे हैं। तो आइए चलते हैं आप लोगों को वो दिखाते हैं इसके आगे वाले कॉलोनी में जो लगे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यही पिलर बात कर, देख सकते हैं ऊपर पूरा लोहे का जो है लग चुका है, और सीमेंटेड वाला कुछ 10-12 फीट ऊंचाई पे है, बट जो लोहे वाले हैं आप लोग एक बार हाइट देख सकते हैं कितनी ऊंचाई से है जो रोपवे चलेंगे, एक बार देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाइट है इसकी,
तकरीबन ये 5 से 6 तल्ले ऊपर है जिसपे रोप वगैरह फ्लोट करेंगे। एक पिलर आप लोग को यहाँ देखने को मिल जाएगा, एक पिलर आगे सिगरा पे देखने को मिल जाएगा। सिगरा वाले पे देख सकते हैं, सिगरा वाले पे भी जो पिलर है लग चुके हैं, बट अशोक नगर वाले कॉलोनी में नहीं लगा था, सिगरा वाले पे भी लग चुके हैं, गांधी नगर वाले कॉलोनी में भी लग चुका है। और देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू कितने ज्यादा गड्ढा गुड्ढी हो गए इस रोड पे पूरा। दोस्तों ये जो हम लोग का रोपवे का तीसरा स्टेशन है जो कि बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे आप लोग देखिए कैंट वाला विद्यापीठ और यहाँ वाले जो स्टेशन है बड़े बड़े, पर आई थिंक गोदुदिया का जो है वो छोटे गोदुदिया में उतना ज्यादा स्पेस वगैरह नहीं है। यहाँ पे तो कोई भी चांस नहीं कि अंदर से जाके हम बना पाए। जैसे विद्यापीठ वाले मान लीजिए अंदर गए कि चोरी छिपे क्लिप वगैरह मिल गए, बट यहाँ अंदर भी नहीं जा सकते। यहाँ का देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर का जो ढलाई हो चुका है, सेकंड फ्लोर अभी ढलाई होना, मतलब सेकंड फ्लोर भी हो चुका है एंड जो थर्ड फ्लोर उसका ढलाई होना अभी बाकी है। सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो अब तक हुआ है विद्यापीठ वाले ब्रांच में, यहाँ उतना काम नहीं हुआ है। तो फिलहाल हम चलते हैं आगे जहाँ पे दूसरा पिलर वगैरह होने वाला है। जो गेट देखें कौड़िया अस्पताल का गेट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी रोपवे का पिलर वगैरह होने वाला है, बट यहाँ अभी कुछ भी काम नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ पे और एक पनारवीर साइड है वहाँ पे भी कुछ काम नहीं हुआ, अभी आप लोगों को दिखाते हैं हम। तो रोपवे का जो एक हुआ है जैसे सीता रसोई यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पनारवीर जो तिराहा है, तो रोपवे का एक पिलर जो है यहाँ लगने वाला है, यहाँ पे गड्ढा वगैरह किया गया है। ये सब जगह कुछ खास नहीं इसलिए ज़्यादा डिटेल वगैरह में नहीं चल रहे हैं, बट यहाँ यहाँ एक पिलर लगने वाला है। अब चलते सीधे गोदुलिया। तो दोस्तों हम आए गोरुलिया पे, जैसे यहाँ पर ये एरिया जो है रोपवे के लिए, बट हाँ यहाँ कंफ्यूजन है रोपवे का स्टेशन बनेगा कि पिलर, क्योंकि अगर स्टेशन बनेगा तो सबसे छोटा स्टेशन जो है रोपवे का यहीं पे होने वाला है, और इसके आगे तो कुछ वगैरह चल नहीं रहा है रोपवे का लास्ट कंस्ट्रक्शन यहीं तक हो रहा है, तो आई थिंक ये स्टेशन ही बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लगे, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें एंड चाहते कॉमेंट जरूर करेगा, मतलब वीडियो में क्या कुछ गलत तो नहीं ना बताया, मतलब सही है ना सारा को व्यू देना। हाँ डिटेल वगैरह उतना क्लियर डिस्कशन नहीं है, बट हाँ आप लोग को हर एक व्यू कहाँ पे क्या होने वाला हर एक चीज़ दिखा दी है। तो जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करें।